गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग मैम. अनुष्का, रचिता, साल्वी, तुषार, सानिया, हेमंत. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सचिन, सैनी, तनिषा, अभय, अमन, सबको गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट्स, मेरे को ये बताओ कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, कोई बताएगा मेरे को? बोलो, बताओ जरा मेरे को, अपन ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, बोलो. मैम परफेक्ट तक, उस तक इंट्रोगेटिव तक. हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था. क्या हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे ना, इंट्रोगेटिव. अब बताओ इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम है? सब टेंस के अकॉर्डिंग, सारे टेंस के अकॉर्डिंग कर लिए थे क्या? यस मैम. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए क्या सब टेंस के अकॉर्डिंग? बताओ मेरे को एक बार, बोलो. यस मैम, पूरे हो गए मैम. फ्यूचर मैम पूरे हो गए थे मैम सारे. फ्यूचर परफेक्ट. यस मैम. यस मैम. पक्का? ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज करेंगे. इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ. व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? टॉपिक में आप ये लिख लो आज, इंपेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस. बताओ मेरे को इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बताएगा मेरे को कौन से सेंटेंस होते हैं, बोलो. मैम नहीं पता. हाँ हाँ बताओ. मैम नहीं पता. नहीं पता? देखो सेंटेंस तो बताएगा, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वाक्य. क्या सेंटेंस क्या होता है ये तो बताओ. चलो अनुष्का बोलो. वाक्य. वाक्य होता है, वाक्य तो पता है, पर सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो क्या होती है? मैं बताऊं? हाँ जी बोलो. मैं बताऊं? बताओ बताओ. A sentence is a group of words which make complete sense is called sentence. Very good, very good. शाल्वी थी ना तुम? यस मैम. हाँ वेरी गुड बेटा. कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका ऐसा शब्दों का समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो वो सेंटेंस होता है. फिर सेंटेंस को हमने कितने भागों में बांट रखा है, कितने टाइप से सेंटेंस के? फर्स्ट अफर्मेटिव. फाइव. सेकेंड नेगेटिव भी ले लो. चलो इसमें वैसे नहीं, फाइव होते हैं इसके. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अब सबसे पहले अफर्मेटिव. सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटिव, और सिक्स इंपेरेटिव. सिक्स ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव.
इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में आपको इसके लिए तीन चीजें ध्यान रखनी होगी, जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, और एडवाइस जैसे भाव प्रकट होते हैं वो सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। आई बात समझ में? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस ऐसे भाव प्रकट होते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको याद रहेगा ये? यस मैम। तो सबसे पहली बात हम किसकी करते हैं? एडवाइस। यस मैम। सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? ऑर्डर की। ठीक है, एडवाइस में बेटा सजेशन भी हो सकते हैं पे। एडवाइस देना या सजेस्ट करना, सजेशन देना, एडवाइस सलाह देना, सलाह है या सुझाव, बराबर ही है ना बात? है ना? यस मैम। आगे सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। ठीक है, बात बराबर है? बात समझ में आ गई? सबसे पहले yes, हम लेते हैं आपका ऑर्डर। फर्स्ट इसमें फर्स्ट है ऑर्डर सेंटेंस, नहीं ऑर्डर कर लो इसमें। ठीक है, ऑर्डर वाले कौन से सेंटेंस होंगे? तो जब भी ऑर्डर का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस में क्या पैटर्न होता है उस सेंटेंस को बनाने का? हम ओनली पैसिव वॉइस का पैटर्न लिखेंगे, ध्यान रखना। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उस सेंटेंस को? पैटर्न लिख रहे हैं हम लोग, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर दिखाई देता हो कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा हो, आदेश दे रहा हो, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो देखो। देखो सबसे पहले क्या पैटर्न होगा, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न आपको अच्छे से याद करना है। जब भी ऑर्डर का सेंटेंस आएगा तो तुम्हें सबसे पहले लेट से सेंटेंस स्टार्ट करना, उसमें लेट नहीं मिलेगा, तुम्हें किससे स्टार्ट करना होगा, लेट, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में बी, बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में? ये ऑब्जेक्ट मैम yes, समझ में नहीं आया? नो मैम, सब्जेक्ट नहीं लगाते? नहीं, ये देखो जो है ना बेटा, जो सेंटेंस में एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा ना लास्ट में, एक्टिव वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आप एक बार सेंटेंस देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो शट द डोर, शट द डोर ये सेंटेंस है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आप इन सेंटेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत ही कम सब्जेक्ट होता है इनमें, सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। तो आप ये भी समझ सकते हैं जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहां पे लेट आएगा, क्या आएगा, लेट। बात समझ में आ गई? तो ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है शट, राइट, मेन वर्ब है ना, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना ये यहाँ पे आएगा, ये एक तरह से सब्जेक्ट की जगह आएगा ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना ये यहाँ पे आएगा लेट के बाद में। तो कैसे सेंटेंस बनेगा ये, सबसे पहले लेट द डोर, फिर द डोर, द डोर,
शट ही रहेगी फॉर्म तीनों में तो शट बी शट। आगे बात समझ में? यस मैम। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, शट द डोर। अब मैं आपको बोल रही हूँ ओपन द डोर, चेंज करो इसको, ये वाला सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ओपन द डोर मैं ये सेंटेंस लिखूंगी ना, ये सेंटेंस मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वो भी इस तरीके से चेंज होगा। जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा ना, वो सेंटेंस इसी तरह चेंज होंगे। ओके okay? यानी जिन सेंटेंस जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, शट क्या थी यहाँ पे, क्या नॉलेज की बात बता रही हूँ मैं, शट क्या थी यहाँ पे, वर्ब, वर्ब। ओपन क्या है बेटा यहाँ पे, वर्ब। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे वहां आपको ये पैटर्न करना है। आगे बात समझ में? यस मैम। यानी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना है आपको। रखोगे याद? मैम मैं बताऊं क्या, मैम मैं बताऊं, बताओ मैम बताएं क्या उसका, हाँ हाँ बताओ डोर बी 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 ओपन ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन दिया जाएगा। यस मैम। आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके यस मैम। और कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं मैम, इस बार हम बताएंगे सिट डाउन, सिट डाउन या कीप क्वाइट, कीप क्वाइट ले लो मैम, ये हम बताएं क्या, बताओ बताओ, कीप क्वाइट बोलो, कीपिंग यू क्वाइटिंग, लेट लेट क्वाइट, लेट क्वाइट बी कीप की थर्ड फॉर्म कीप्ड, एक सेकंड मैं इधर लिखती हूँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, लेट क्वाइट क्वाइट थर्ड फॉर्म बोलो, कीप्ड बी बी कीप्ड बी टी कीप कैप्ट, मैम बी तो लगाया नहीं, मैम बी बी तो लगाया नहीं मैम आपको, कीप्ड कैप, समझ में आ गया क्या, लेट क्वाइट बी कैप। यस मैम। प्रॉब्लम किसी को? नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मैम नो मैम प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चेंज कर लोगे ना, हम कर लेंगे, सब मतलब समझ में तो आ रहा है तुम्हें है ना? Yes, मैं समझ में आ रहा है। अब अपन सेकेंड लेते हैं, कौन सा, सजेशन, कौन सा लेते हैं, सजेशन, अपन अगला सेंटेंस लेते हैं किसका, सजेशन का, सजेशन सजेशन, सजेशन में भी देख लो यही चीज तुम्हें बस ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या होगा
इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। वो क्या है, जब भी हम देखो पैटर्न निकलो किसका, पैसिव वॉइस का। एक्टिव में तो जो भी सेंटेंस मिलेगा वो होगा, पैसिव वॉइस का लिखना है कि पैसिव वॉइस में तुम्हें बनाना कैसे है सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या आएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट ना, सबसे पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस शुड प्लस बी प्लस आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मान लीजिए आप ये ना सजेशन है, ठीक है, सजेशन क्या है, हेल्प द पुअर्स, फॉर एग्जाम्पल हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, करो एडवाइस दे रहे हैं। क्या है इसमें, एक सेकंड में इसे थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ, नीचे लिखती हूँ, आपको दिखाई नहीं। मैम हम बताए क्या, हम बताए, मैम हम बताए क्या, मैम बताए क्या, तुम बताओगी। हेल्प द पुअर बताओ, the poor, यहाँ पे help क्या है, main verb, और the poor क्या है, object, object, object को कहाँ subject की जगह लेके आएंगे ना, yes ma'am, the poor, the poor, the poor should, 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 be, helped, 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 हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। अगली बात समझ में, यस मैम, शुड बी हेल्प। आगे अब अगला कौन सा सेंटेंस लेंगे अपन, रिक्वेस्ट का थर्ड वाला, किसका लेंगे, रिक्वेस्ट, जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में, मैंने पहली पहचान तो क्या बताई थी तुम्हें, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की पहली पहचान होती है प्लीज, क्या होती है, प्लीज और काइंडली, क्या, प्लीज, प्लीज और काइंडली, ये दो ही पहचान है किसकी, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की बच्चों, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, हमें Give me a glass of water. मेरे को एक ग्लास पानी का दो, ये क्या है, kindly, एकदम बहुत प्यार से, बहुत दया के भाव से हम अगले से मांग रहे हैं। इसी तरीके से प्लीज और काइंडली, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, प्लीज और काइंडली, वो सेंटेंस आपके रिक्वेस्ट के सेंटेंस होंगे। वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस होंगे बच्चों, रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट के सेंटेंस। मैम आ रही है, यस मैम आ रही है, ये सेंटेंस होंगे आपके रिक्वेस्ट के सेंटेंस, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट के जैसे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने का पैटर्न लिख देती हूँ मैं, सबसे पहले पैटर्न देखो आप, एक सेकेंड थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखना थर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर नीचे पैटर्न पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, रिक्वेस्ट की पहचान भी लिख लेना साइड में, प्लीज और काइंडली, ये आपकी होती है कौन से सेंटेंस की पहचान, रिक्वेस्ट की पहचान होती है, ठीक है, रिक्वेस्ट की आइडेंटिटी होती है। देखो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में क्या लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर प्लस में आपको टू करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की
कौन सी फॉर्म करनी है आपको? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म करनी है? फर्स्ट फॉर्म करनी है, आप पे ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? यस मैम। ठीक है ना? सेंटेंस बताऊं कि मैं? हाँ, सेंटेंस तो बता देना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है यहाँ पे? ये बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म करोगे? फर्स्ट फॉर्म करोगे। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होगा आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस का। अनुष्का बताओ, चलो तुम बताओ कोई सेंटेंस। मैम मैं बताऊं, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। मैम प्लीज गिव मी वाटर, ऐसा सेंटेंस ये जो, प्लीज गिव मी वाटर। देखो अपन ने जो सेंटेंस लिया ना पहले, वो ही देख लो एक बार अच्छे से, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, आपने जो सेंटेंस बोला है ना उसमें। एक सेकेंड रुको, ये देखो सेंटेंस में लिखती हूँ, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज शट द विंडो, प्लीज शट द विंडो। ये सा साधारण वाक्य लिया है मैंने, प्लीज आप विंडो को बंद कर दो। मैं बताऊं क्या? कुणाल। हाँ बताओ। प्लीज तो रिक्वेस्ट, सबसे पहले आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट, आपका वर्ड हो गया किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए हो गया। प्लीज की संज्ञा क्या आ गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू आ गया। शट क्या है? मेन वर्ब है और द विंडो ऑब्जेक्ट है। प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो आपको लिखना है, तो परमानेंट है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट मैम, शट शट द विंडो, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज। मैम ये वाला हम बताएं क्या? द डोर बताएंगे कुणाल। हेलो मैम, हम बताएंगे कुणाल। बताओ बताओ, तुम बताओ। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। तुम चुप रहो बेटा, क्लोज द डोर बोलो। You are requested to close the door. Close the door. यहाँ पे close ही लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा pattern में क्या है लिखना है अपन को? Verb की कौन सी form? First form. एक sentence और तू बनाओगी ना? Yes ma'am. बना लेंगे। Shall बनाएगी। देखो मैं लिखती हूँ सेंटेंस, यहाँ पे लिख दो, दिखाई देगा ना यहाँ पे? मैम यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई देगा ना? नहीं दे रहा। नो मैम। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे लिख आपको दे रहा है ना दिखाई? मैम जी सेट दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे देख लो तो, यहाँ पे इधर देख। मैम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ तक लिख देते हैं। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस प्लीज। इस सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे? चलो कोई भी करके बता दो इस सेंटेंस को चेंज। ओके मैम, करके बताए क्या? मैम बताए क्या? एक सेकंड मैम बताए क्या? अपनी कॉपी में सब चेंज करो पहले इसको, फिर बताना मेरे को, मैं पूछूंगी फिर तुमसे। मैम कर, हाँ करो।
Do not make a noise, please. Change करो इसको. बस इस सेंटेंस में एक ही चीज ध्यान रखनी है और कोई चीज ध्यान नहीं रखनी आपको. चलो बताओ अनुष्का, बोलो. हरी अब बोलो बोलो. कर रहे हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू. किसने कर लिया? किसका हो गया? किसने चेंज कर लिया? मैम ने कर लिया. हाँ हाँ बोलो. यू आर रिक्वेस्टेड टू डोंट मेक ए नॉइज. नो, यू आर रिक्वेस्टेड. एक ही चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे. ध्यान से सब बच्चे डोंट डू. हाँ हाँ सुन लो सुन लो. जिसने चेंज कर लिया वो भी, जिसने चेंज नहीं किया वो भी. सब बच्चे देखेंगे इधर. यू आर रिक्वेस्टेड डोंट टू. डोंट का मतलब है यहाँ पे नॉट. क्या किससे मतलब है डोंट का? नॉट से या ना बताओ मेरे को पहले. नॉट से. नॉट से ना. यस मैम. नॉइस नहीं करनी है ना, यही मतलब है ना. यस मैम. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कब आएगा? नॉट पहले आएगा फिर टू आएगा, ये बात ध्यान रखनी है. नॉट पहले आएगा टू बाद में आएगा, ठीक है ना. यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, आगे फिर मेक अ नॉइस. मेक ए नॉइस. नॉइस मैम इसमें मजा आया. यस मैम. ठीक है, ध्यान रखोगे ना? यस मैम. यस मैम. हाँ यही ध्यान रखना है आपको कि किस भी सेंटेंस में नॉट का सेंस मिलेगा या नॉट मिलेगा तुम्हें ना. नॉट जिस भी सेंटेंस में मिलेगा वहां पे टू से पहले नॉट लगाना है. ध्यान रखोगे ना सब? यस मैम ध्यान रखेंगे. यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है. यस मैम. कर लोगे ना सारे सेंटेंस अब चेंज? यस मैम. एग्जांपल? यस मैम. मेरे एग्जांपल कर लेंगे मैम. कर लोगे? एक्सक्यूज मी मैम. बोलो मैम. पेपर कब आएगा? पर बेटा अभी तो तुम्हारी क्लास चल रही है ना, पेपर आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है. यस मैम. मैम कितने बजे आएगा आपको बेटा मैसेज? मैम पेपर आ गया 1:30 पे आएगा. आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है ना वो कब चालू होगा पता है? 1:30. हाँ 1:30 पे कब चालू होगा बेटा? 1:30. मैम लाइव चलेगा क्या? मैम लाइव चलेगा क्या? लाइव चलेगा क्या? चलेगा. हाँ जी मैम. लाइव चलेगा क्या? हाँ लाइव चलेगा. आपको सरने मैसेज आपको मिल जाएगा बेटा, पेपर मिलेगा आपको, ठीक है ना. यस मैम. मैम ये आप जो वीडियो बनाते हो ना ये लाइव में चलवाते हो, ये आप यूट्यूब पे सेंड करते हो क्या? यूट्यूब पे डालते हो? मिलती है बेटा ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी. मैम तो देखते भी है. हम तो देखते भी है. क्या? मेहता डिजिटल क्लासेस. किस नाम से? मेहता डिजिटल क्लासेस के नाम क्लासेस, ठीक है ना. मिलती है वीडियो आपको यहाँ पे. अगर 1% लाइव आना सबसे बड़ी बात है. लाइव तो सबको आना ही है, वो तो आप ठीक है ना. वो तो क्लास तो अटेंड करनी है क्योंकि उसमें आप लोग क्वेश्चन मेरे से पुटअप नहीं कर सकते, ठीक है ना. वो तो 1% आप कहीं मतलब कि आपको क्लास मिस भी हो जाती है तो आप कभी कभार उस पे ले सकते हैं, ठीक है ना. यस मैम. अब देखो अब सुनो, आपको मैं एग्जांपल दे दूं ना? दे दो.
देखो तो चलो एग्जांपल दे रही हूँ मैं. देखो एग्जांपल लिखना है, चेंज करने है आपको एक्टिव से पैसिव. मैम इंटरोगेटिव तक आएगा या फिर ये भी आएगा क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस भी आएगा ना टेस्ट में? हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस भी आएगा ना टेस्ट नहीं, में? नहीं इंपेरेटिव नहीं आएंगे, इंटरोगेटिव तक ही बेटा. आज आपका टेस्ट थोड़ी ना, आपका तो कल है ना. मैम इंपेरेटिव क्यों नहीं आएंगे? इंपेरेटिव नहीं बेटा, इंटरोगेटिव तक ही कंप्लीट करवाया था ना मैंने कल, वो दिए हैं ठीक है ना वहां तक ही. ठीक है मैम. मैम परसों है टेस्ट. हाँ परसों का है मैम, 19 डेट का. कैरी इट होम एक्टिव के सेंटेंस है, चेंज करने हैं आपको. बताए क्या चेंज करने हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है ना. हाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है इनको. अभी बताए क्या? बता देना एक एक मिनट. बना लो इनको, बना लो. चलो मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. कौन सा दिखाई नहीं दे रहा? फर्स्ट वाला कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा. मैम नहीं दिखाई दे रहा सच में? ये सेंटेंस लिखे हुए दिखाई नहीं देते मैम? दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से. नहीं दिख रहा. शाल्वी अपने मैम दिख रहा है? शाल्वी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? यस मैम. अपने फोन की क्वालिटी है ना वो बढ़ाओ बेटा. अपने फोन की आप वीडियो देखते हो ना तो उसमें क्वालिटी आता है, तो क्वालिटी उसको ज्यादा करो. आप कम होगी जितनी ज्यादा करोगे ना उतना अच्छा दिखेगा ठीक है ना. फोन की क्वालिटी बढ़ाओ आप, फिर अच्छा दिखेगा आपको. मैम सही हो गया अब. ठीक है देखो एक सेंटेंस ये देती हूँ मैं आपको नॉट का. डू नॉट बीट द डॉग. ये सेंटेंस अभी चेंज करके बताओ मेरे को ये वाला. तो मैम ये वाला बताया क्या कुणाल? हाँ बताओ चलो. यू आर रिक्वेस्टेड. नहीं ये रिक्वेस्टेड का है क्या? डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो. ऑर्डर का है. ऑर्डर का है ना, तो कैसे करोगे? सबसे पहले किस क्या आएगा इसमें? लेट आएगा ना. ये yes, वाला बता रही हूँ सबसे पहले मैं. डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो. ये एक तरह से क्या है बेटा? ये ऑर्डर है. ऑर्डर है? ऑर्डर है ना. यस मैम. क्या आएगा? लेट 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 द डॉग. Let the dog not, पहले नोट आएगा फिर बी आएगा, ये बात ध्यान रखनी है. पहले नोट आएगा और फिर बी आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको. यही मैंने उसमें बताया था ना, टू से पहले रिक्वेस्टेड, टू से पहले क्या आएगा? नोट आएगा ना, है ना? यस मैम. यही मैम बी से ध्यान रखनी है. Let the dog not be Not be beat. Third form bitten. Bitten. BETEN bitten. Let the dog not be bitten. ये तीनों बना लोगे? Yes ma'am. अभी बना ले क्या? तीनों homework में बनाने हैं आपको ये तीनों sentence. ठीक है ना? मैम ये आप send कर दोगे? हाँ? ये आप send कर दोगे? WhatsApp group पे. अब ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? हेल्प मी. मान लो ये सेंटेंस आ जाए आपका हेल्प मी, इसमें कोई वो नहीं है प्लीज वगैरह कुछ नहीं है. हेल्प मी कैसे बनाओगे इसको बताओ.
हेल्प मी को कैसे बनाओगे? हेल्प मी, यानी ये सेंटेंस अगर इसमें कोई रिक्वेस्ट है वो कुछ नहीं है तो ये क्या है? वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस मानोगे इस सेंटेंस को? ऑर्डर. वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा मानोगे बच्चों? वर्ब ऑर्डर. और जो भी सेंटेंस मैंने बताया था वर्ब से स्टार्ट होता है तो तुम पहले उस सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे? ऑर्डर. लेट 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 मी लेट आई आई मैम आई नहीं आएगा क्या? मी का आई में चेंज बताओ आगे. लेट मी बी हेल्प्ड बी हेल्प्ड बी हेल्प्ड. बिल्कुल सही बता रहे हो तुम. लेट मी बी हेल्प्ड हेल्प्ड कि देख लो जिस भी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट ऑर्डर या ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना और वो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है तो उसे ऐसे चेंज करना है. आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. आ गई ना? कोई प्रॉब्लम है बता दो किसी को. मैम नो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम सुनो अगर आप इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट का मानते हो. हाँ बोलो पहले बोलो क्या बोल रहे थे बोलो. मी का आई में चेंज नहीं हुआ. मी का आई में चेंज मी है ना एम ई मी. मी का आई में चेंज आपने किया ही नहीं. किसका? मी का चेंज नहीं होगा तो बेटा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आएगा. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी. ध्यान रखना है चीज ठीक है ना? Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट ही करना है वहां पे. मैंने पैटर्न में ऑब्जेक्ट ही तो लिखा है सब्जेक्ट थोड़ी ना लिखा है उस चीज को. यस मैम. ध्यान रखना है बात. मी का मी आएगा. अब इस चीज को अपन किस में लेते हैं? रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में लेते तो कैसे होता? सबसे पहले क्या आता? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. ये बात समझ में? यस मैम. हेल्प ये है बेटा मी है.